हाँ बाबा ने बोला है कि अभी कितना बीमार था मारो लेकिन दो पैर से आगे नहीं जा सकते हैं। कितना बीमार था मारो लेकिन दो पैर से आगे नहीं जा सकते। अच्छा संगम में कितना है द्वापर से ऊपर चढ़ गए हैं, इसकी कोई निशानी बताई है? ये कैसे पता चले कि हमारी उल्टी कला हो गई है या नहीं हो गई है? हैं? कैसे पता चले? बाबा ने मुरली में कोई निशानी बताई है? जिससे हम समझें कि अब हम द्वापर से ऊपर की सीढ़ी चढ़ने लग पड़े हैं? नहीं सुना कभी मुरली में? कभी सुना ही नहीं? डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगा, ऐसे नहीं कि हम घर बार छोड़ करके जंगल में चले जावेंगे तब डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगा साधु संत महात्माओं की तरफ, नहीं। प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी, स्त्री पुरुष साथ साथ रहते हुए भी हमारी आत्मा की स्टेज ऐसी ऊंची बन जाएगी बाप की याद में, जो शक्ति नीचे जाती है वो शक्ति नीचे की ओर जाना बंद हो जाएगी। शक्ति मस्तक की ओर चढ़ने लगेगी, जिसे दुनिया के साधु संन्यासी कहते हैं कि कुंडलनी शक्ति जागृत हो गई। उस समय जब द्वापर की सीढ़ी ऊपर चढ़ने लगेंगे तो देह का आकर्षण, देह की इंद्रियों का आकर्षण हमारे बुद्धियों को नीचे नहीं गिरा सकेगा। ये निशानी होगी। और ये निशानी नंबरवार प्रत्यक्ष होगी कि एक साथ प्रत्यक्ष हो जाएगी? हैं? नंबरवार प्रत्यक्ष होगी। अभी भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजयोग के अभ्यासी अभ्यास कर रहे हैं। कोई ने पूछा है कि भक्ति मार्ग में गाते हैं 100 दिन सास के और 1 दिन बहू का भी आवेगा, तो ये कहां की यादगार है? हैं? कब होगा पूछा है? 100 दिन सास के कब होंगे और फिर 1 दिन बहू का कब होगा?
अरे अरे ब्राह्मणों की दुनिया में कोई परम प्रसिद्ध सास और बहू है या नहीं है, है? जो भक्ति मार्ग के राज दरबारों में दिखाई जाती है, राज लक्ष्मी भी बैठती है राज दरबार में और राज माता भी बैठती है, दोनों का क्या संबंध होता है? सास और बहू का संबंध होता है। ये भक्ति मार्ग में जो होता है उसकी शूटिंग कहां होती है, कब? यहां पूछा है कब है, तब जब के लिए सिखों में गायन है राज करेगा खालसा, जो खालिस पुरुषार्थी हैं उनमें जो नंबर वन है, कीचड़ में रहते कमल फूल समान, वो खालसा के हाथ में राज्य होगा। सिखों में ही ये गायन क्यों है, है? और धर्म वालों में ये गायन क्यों नहीं है, है? अरे जरूर कोई आत्मा सिख धर्म से निकली है, पंजाब के खून से निकलती है और वो आत्मा संगम युग में बड़ी मां का पार्ट बजाती है और लंबे समय तक राज्य करती है। जो सिख लोग कहते हैं राज करेगा खालसा, तो क्या ऐसे ही राज्य करती रहेगी सारे संगम युग में, जब तक कि संगम 100 साल का पूरा न हो? या छोटी मां का भी राज्य आएगा? तो एक दिन ऐसा भी आवेगा कि सास का राज्य खलास और बहू का राज्य शुरू हो जाएगा। बाबूलाल भाई पूछ रहे हैं। बाबा हाँ, ब्रह्मा को ब्रह्मात्या का दोष लगाओ फिर उसको चार भागों में बांटा उस पर। वर्ण कितने हैं? चार वर्ण हैं। ब्राह्मण 100 देवता एक वर्ण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, यही चार भागों में ब्रह्मा भी पार्ट बजाता है। हाँ, दिक्कत नहीं है, एक इनएक्शन होता जाएगा। इनएक्शन इनकार्नेशन होता जाएगा, माना बाप की प्रवेशता संसार में प्रत्यक्ष होती जाएगी। वो ब्राह्मण कहते तो हैं कि सन 36 से बाप आया, इस सृष्टि पर आया। अरे इस सृष्टि पर बच्चा भी आता है पैदा होकर,
तो कोई ये कहता है कि बच्चा नहीं पैदा हुआ? कहता है बच्चा आया तो आया, सब कहेंगे बच्चा आया। तो जैसे कि अव्यक्त बाप दादा ने भी इशारा दे दिया एक दिन ऐसा भी आने वाला है जो सबके मुख से निकलेगा, जो सुनेंगे कानों से उस बाप की आवाज को, और जो देखेंगे इन आंखों से उस बाप को, सबके मुख से निकलेगा मेरा बाप आ गया। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप नहीं, सब देखने और सुनने वालों के मुख से निकलेगा मेरा बाप आ गया। ऐसा इनकार्नेशन होगा, इनकार्नेशन माने प्रवेशता। अभी तो गुप्त पार्ट है, जैसे बच्चा गर्भ में गुप्त होता है कोई नहीं जानता कि बच्चा है कि बच्ची है भी या नहीं है, या होगा या नहीं भी होगा। परंतु अब ऐसा इनकार्नेशन होने वाला है जो सबके मुख से निकलेगा कि बाप आ गया। हाँ, कोई विशेषता आदि के पाठ में है और कोई विशेषता पकवानों और गोटियों के पाठ में है, इसका भी ग्रहण करते हैं। जो पटरानियां हैं उनका नाम ही है पटरानियां, ऊंची स्टेज में चढ़ती चली गई, चढ़ती चली गई, चढ़ती चली गई, और फिर ऐसा अहंकार आया कि पट में जाके गिरी। दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गई। तो जो पटरानियां हैं वो भक्ति मार्ग में किसकी पटरानियां गाई हुई हैं? है कृष्ण की पटरानियां गाई हुई है। और बाप ने हमें बताया है कि शास्त्रों में जो कृष्ण के चरित्र हैं वो कृष्ण वाली आत्मा के चरित्र हैं या बाप के चरित्र हैं? ये पटरानियां, ये गोपियां, ये शिव बाप की बात है, सिर्फ ज्योति बिंदु की बात है, या इस साकारी सृष्टि पर साकारी पाठधारी की बात है? तो कोई साकारी पाठधारी है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ दिया जाता है, कृष्ण की पटरानियों की बात नहीं है? शिव बाबा की बात है, निराकार और साकार के मेल के पाटधारी की बात है। कि कोई उस कार्य में सहयोग देने वाली बहुत ऊंची स्टेज में चली जाती है,
उनका शास्त्रों में गायन तो होता है आठ पटरानियों के रूप में, परंतु पूजन पूजन नहीं होता है, क्योंकि आठों पटरानियां अंत में पुरुषार्थ करते करते पट्ट में जाके गिरती है। फिर बचता कौन है? हैं? कौन बचता है? जो बचती है वो पट्टरानी नहीं कही जाती, क्या कही जाती है? महारानी कही जाती है। वो एक का ही पार्ट है, इसलिए कहा जाता है कि शास्त्रों में गायन है महारानी राधा, और राधा को कृष्ण के साथ दिखाते हैं, पूजते भी हैं। पूजा किसकी होती है? जो जीवन में एक पति बनाती है उसकी पूजा होती है, या अनेकों में फंस जाती है उसकी पूजा होती है? हैं? सती की पूजा होती है, सत्य की पूजा होती है, या झूठी की पूजा होगी? हैं? सत्य की पूजा होती है, प्योरिटी पूजी जाती है। तो राधा को महारानी के रूप में दिखाया, आठ पटरानियों के रूप में दिखाई, जो आठ धर्मों में कन्वर्ट हो जाती हैं, और बाकी हैं 16,000 गोपियां जो बाप के साथ गुप्त संबंध का पार्ट बजाती हैं। सिर्फ गोपियों की बात नहीं है, गोप और गोपियां दोनों हैं। गोप वो है जिन्होंने इस राजयोग के मर्म को पहचाना है, कि कैसे संग के रंग से पतित से पावन बनते हैं। राजयोग सीख करके राजा बनते हैं, राज परिवार में आते हैं। उन राज परिवार में आने वालों की संख्या 21 जन्मों में कितनी है? कितनी है? 16,108। तो उनमें एक महारानी, आठ पटरानियां और बाकी सब गोपियों के रूप में प्रत्यक्ष होती है। गुप्त संबंध का पार्ट तो बजाया गोप गोपियों ने, परंतु पटरानियों या महारानी की तरह ऊंची स्टेज में नहीं पहुंच सके। इसलिए गोप गोपी कहे जाते हैं, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, एक जैसे पुरुषार्थी नहीं है। सतयुग आदि से लेकर के राज परिवार में आते हैं और त्रेता के अंत तक आते आते 21 जन्मों में उन राज परिवार में पार्ट बजाने वालों की संख्या कितनी हो जाती है? 16,108 हो जाती है। ये सब भगवान बाप से राजयोग सीखने वाले हैं।
संबंध जोड़ते हैं, संबंध गहरा होता है या संपर्क गहरा होता है? है संबंध गहरा होता है। कन्या का संबंध पति से होता है, संबंध निराकार आत्मा से होता है, आत्मा का, या इंद्रियों के साथ संबंध होता है? इंद्रियों के साथ संबंध होता है। और कन्या का पति के साथ संबंध है, तो कन्या के बाप का संबंध है, उसके पति के साथ नहीं है क्या? है या नहीं है? है। तो वो 16,000 की लिस्ट में हो सकता है या नहीं हो सकता है? है, हो सकता है, क्योंकि संबंध तो है ना। ऐसे ही कन्या की मां भी है या नहीं है? है। तो संबंधी के आधार पर याद आवेगा या नहीं आवेगा? आवेगा। ऐसे ही कन्या का कोई भाई भी है या नहीं है? तो भाई का संबंध है, कन्या के पति के साथ बुद्धि का योग जुटता है या नहीं जुटता है? है, जुटता है। औरों का उतना नहीं जुटेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में नहीं है। और यहां, यहां तो प्रैक्टिकल बात हो गई। अब कोई कहे, अच्छा जिनको कन्या है उन्हीं का बुद्धियोग का कनेक्शन जुटेगा, जिनको कन्या या बहन नहीं है उनका नहीं जुटेगा? अरे जुट सकता है कि नहीं जुट सकता है? जुट सकता है। अरे भल कन्या नहीं है, बहन नहीं है, खुद तो बाप के बच्चे या बच्ची बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। बाप के बच्चे की परिभाषा भी बता दी। जो बाप का बच्चा होता है उसका सारा पोता मेल बाप के पास होता है, तब कहा जाता है बाप का बच्चे से पूरा संबंध है और बच्चे का बाप से पूरा संबंध है। तो संबंध की गहराई के आधार पर कोई बड़ा बच्चा बन जाता है, कोई छोटा बच्चा बन जाता है। जो बड़ा बच्चा होता है, बाप अपना कारखाना, अपनी दुकान, अपनी जायदाद पहले बड़े बच्चे को सौंपता है या छोटे बच्चों को सौंपता है? है, जो बड़े होते हैं उनको सौंपता है। तो ऐसे ही यहां भी है, बाप का जो बेहद का वर्षा है, मुक्ति और जीवन मुक्ति, वो बेहद का वर्षा पाने वालों की संख्या कितनी है? है? अरे 4.5 लाख। बाप प्रजा बनाने आया है या राजा बनाने आया है? और 4.5 लाख प्रजा है या राजा रानी की क्वालिटी है? है, हाँ, 16,108 राज परिवार में आते हैं, जो नंबरवार पढ़ाई पढ़ते हैं बाप की। तो इस समय
गोप गोपियों का भी संबंध जुट रहा है बाप से, उनमें से कोई अच्छे पुरुषार्थी बनते हैं तो पटराना और पटरानी भी बन जाते हैं। और बहुत अच्छा जो पुरुषार्थ करते हैं वो क्या बन जाते हैं? महाराजा और महारानी बन जाते हैं। अच्छा, सास बहू की अभी बात आई थी, बताओ सास कौन सी लिस्ट में आवेगी और बहू कौन सी लिस्ट में आवेगी? है? अरे अभी तक इतना ही नहीं जाना? अरे बेहद में ब्राह्मणों की दुनिया में तो बेहद ब्राह्मण परिवार की सास बनने वाली है, प्रसिद्ध होने वाली है, और जो बहू के रूप में प्रसिद्ध होने वाली है उन्हें में पटरानी कौन बनेगा और महारानी कौन बनेगा? है, महारानी लक्ष्मी बनेगी और सास पटरानी बनेगी। ये बनने का आधार क्या है? अरे कोई क्वालिटी है जो छोटी है वो महारानी बन गई और बड़ी पटरानी बन के ही रह गई? इस बात के लिए कोई क्वालिटी होगी कि नहीं होगी? है, कोई अवगुण होगा या नहीं होगा? है, जो बड़ी छोटी बन गई और छोटी बड़ी बन गई, क्या क्वालिटी है? बड़ी से बड़ी क्वालिटी बताओ, कौन से गुण की धारणा? संबंधों को धारणा गुण नहीं कहा जाता है। सहन शक्ति सबसे बड़ा गुण है, जिसमें जितनी जन्म जन्मांतर की प्योरिटी होगी वो उतनी ही शक्तिशाली आत्मा होगी। तो सहन शक्ति के आधार पर छोटा बड़ा बन जाता है, और जो सहन नहीं करता है, ज्यादा मान मर्तबे में रहता है और ज्यादा लंबे समय तक रहता है पुरुषार्थी जीवन में, सब के ऊपर कंट्रोल करता है, सबका मान मर्तबा लेता है, सब के ऊपर भय पैदा कर देता है। क्या? आईबीबी भागो, आईबीबी भागो, तो ये डर पैदा करता है या नहीं करता है? हैं? वो कौन सी देवी है? जगदम्बा नहीं, वो तो सतो प्रधान स्टेज का नाम है, महाकाली का नाम है। तो जो मान मर्तबा यहां ले लेते हैं, दूसरों को सहन कराने के निमित्त बनते हैं। क्या? दूसरों को सहन कराने के निमित्त बनते, खुद नहीं करते सहन, क्या करते हैं? सबको सहन कराते हैं, सबसे मान मर्तबा लेते हैं, यहां तक कि बाप भी मजबूर हो जाता है मान मर्तबा देने के लिए। कोई चित्र ऐसा दिखाया है? है? क्या है? शंकर जी की छाती पर महाकाली ने पांव रख दिया,
और शंकर जी आंखें बंद करके चुपचाप लेट गए। कोई जवाब नहीं दिया ये कि आकते हो। तो बाप का भी पद ऊंचा हो जाता है या नीचा हो जाता है? है ऊंचा पद हो जाता है, और बहू का भी पद ऊंचा हो जाता है। तो कौन सी विशेषता विशेष रूप से धारण करनी है? ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर जिससे ऊंचा पद बन जाता है, कौन सी विशेषता है? सहनशीलता। कोई भी बात हो जाए क्या करना है? सहन कर लेना है, नहीं तो आंखें लाल लाल करके ऐसा क्यों हुआ। अगर लाल लाल आंखें की और वाचा से कुछ उलट पुलट बोला तो पद नीचा हो जाएगा, और जो सहन करेगा उसका पद ऊंचा हो जाएगा। हाँ, सेवा के भाव से बरेठी गए थे। हैं? सेवा के भाव से बरेठी गए थे। बरेठी वहाँ वापसी में दुर्घटना हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था। वापसी में कहाँ से वापस? वहाँ बरेठी से पकड़ेंद आ रहे थे। बरेठी से जब पकड़ेंद आ रहे थे तब हाँ गाँव आ रहे थे। उसका राज किया, मतलब दुर्घटना ऐसी क्यों हो गई? अरे पूरे जन्म में तुमने कभी ऐसा कर्म किया होगा उसका रिजल्ट मिल गया, ये क्या बड़ी बात हो गई? दुनिया में हर एक के जीवन में दुर्घटनाएं तो होती रहती है, तो ये दुर्घटनाएं इनका फाउंडेशन पूर्व जन्म में पड़ता है या नहीं पड़ता है? हैं? पूर्व जन्म में पड़ा है, हमने कुछ ऐसा किया है जो हमको ऐसी स्टेज से गुजरना पड़ा। और है तुमको बाबा ने क्या बताया? ये कृष्ण की लीला है या शिव बाबा की लीला है? हैं? तो ये क्या है? हैं? ये शिव बाबा की लीला क्या है? क्या कहें? अरे शिव बाबा की आत्मा में ये लीला दिखाने का पार्ट भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है? ड्रामा अनुसार पार्ट है, क्या है? क्या है? पार्ट है अपना अपना, एक का पार्ट न मिले दूसरे से है। और किसी ने पूछा है, एक कहावत है इस दुनिया में, एक तरैया पापी देखे दो देखे चंडाल, तीन तरैया राजा देखे और सब देश है संसार, इसका अर्थ क्या है? हैं? बताओ हैं? बोलो। अरे अरे बेसिक में जो भी है उनको एक ही सितारा सबसे बड़ा दिखाई देता है,
या दो दिखाई देते हैं, वो कौन सी लिस्ट है? वो पापियों की लिस्ट हो गई। और दो देखें चंडाल, जिनको दो सितारे दिखाई देते हैं। कौन कौन से दो दिखाई देते हैं? है जो भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, गीत भी बनाए हुए हैं, है क्या गीत बनाए हैं? अरे रामकृष्ण के लिए क्या कहते हैं? है नहीं, कोई की बुद्धि राम में फंस जाती है, कोई की बुद्धि कृष्ण में फंस जाती है, कोई की बुद्धि दोनों में फंस जाती है। तो एक में फंस गई वो तो बता दिया, वो क्या है? पापी। और ऐसे हैं जिनकी बुद्धि दो में फंसती है, या तो राम में फंस जाती है या कृष्ण में फंस जाती है। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं दोनों आंखों के अंधे, तो ये क्या बनते हैं? है? ये चांडाल बनते हैं। शिव बाबा उन्हें दिखाई नहीं देता। और तीन तरैया राजा देखे तो वो राजा कौन है? जिन्हें तीनों पाटधारियों की पहचान हो जाती है। कौन कौन तीनों पाटधारी? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। कौन है ये तीन शरीर रूपी कपड़े जो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, जो झंडा गान में आज भी गाते हैं विश्व विजय करके दिखलावे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये तीन रंग के कपड़े कौन हैं, शरीर रूपी वस्त्र, जिनकी बुद्धि में पूरी पहचान हो जाती है, वो क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। बाकी जो इन तीनों लिस्टों में नहीं है, क्या? न एक को देखते हैं, न दो को देखते हैं, न तीन को देखते हैं, वो किसको देखते हैं? है? सब देखें संसार, उन्हें संसार ही दिखाई पड़ता है। उन्हें न ब्रह्मा दिखाई पड़ता, न विष्णु दिखाई पड़ता, न शंकर दिखाई पड़ता, उन्हें दुनियादारी दिखाई पड़ती है। और है कहां काम किया जाता है, कहां काम किया जाता है? अपने परिवार में सहन किया जाता है। क्या? चाहे लौकिक हो और चाहे अलौकिक हो, वो परिवार अपना है या पराया है? अपना है। उन ब्राह्मणों का भी परिवार है और हम ब्राह्मणों का लौकिक परिवार भी है और अलौकिक ब्राह्मण परिवार भी है। अगर कोई हादसा हमारे जीवन में हो जाता है, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो वो ब्राह्मण हमको ज्यादा ध्यान से देखभाल करेंगे या ये अलौकिक ब्राह्मण ज्यादा देखभाल करेंगे या लौकिक परिवार वाले भागे दौड़े फिरेंगे? हैं?
लौकिक परिवार वाले भागे दौड़े फिरेंगे। इसलिए बाबा ने बोला कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, उनका चले या न चले। क्यों क्यों चलेगा है? इसीलिए चलेगा कि वो जो परिवार ब्राह्मण परिवार हमारा हम अपना समझे बैठे थे, उन्होंने हमें धक्का दिया, या लौकिक परिवार वाले आज धक्का दे रहे हैं या बुला रहे हैं है? दिल से क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं लौकिक परिवार वाले क्या चाहते हैं है? दिली उनकी इच्छा ये है कि हमारा संबंधी वापस आ जाए या मरता रहे भाई है, वापस आ जाए। उनकी तमन्ना फिर भी अच्छी है, भावना अच्छी है, और उस परिवार की भावना अच्छी नहीं है। अब रहा लौकिक परिवार, वो अलौकिक परिवार, तो जो एडवांस में अलौकिक परिवार है उसमें अगर कोई हादसा किसी के साथ हो जाता है तो क्या देखने में आता है, है? अरे कुछ अनुभव किया है या नहीं किया, या अनुभव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अरे अरे मान लो कोई बेड रेस्ट में आ जाए, एकदम बीमार हो जाए, सांस चलना बंद हो जाए, तो अलौकिक परिवार वाले देखभाल करेंगे या नहीं करेंगे? और जो देह के परिवार वाले हैं वो देखभाल करेंगे या नहीं करेंगे? और वो ब्राह्मण परिवार है उसका तो रिजल्ट हमें पहले ही पता चल गया, तो अब लौकिक और अलौकिक वर्तमान परिवार की बात रही किसकी देखभाल होगी या नहीं होगी। होती है या नहीं होती है, है? किसकी होती है, है? हाँ, जो बाप के सेवाधारी बच्चे हैं उन सेवाधारी बच्चों को बाप याद जरूर करता है, और जो सेवाधारी नहीं है वो बाप के बच्चे हैं या नहीं है, है? अभी एडाप्ट हुए या नहीं हुए क्या कहेंगे, है? अरे बाप का बच्चा होगा तो बाप की दुकान संभालेगा या नहीं संभालेगा? जरूर संभालेगा। और उस दुकान संभालने वाले बच्चे की बाप परवरिश जरूर करेगा, ऐसे नहीं हो सकता नहीं करेगा। और अभी बाबा ने बताया कि आपके परिवार के सब ज्ञान में चलेंगे, हैं? सब ज्ञान में चलेंगे परिवार के, हाँ, जो ज्ञान में चलते हुए टूट गए वो कैसे आएंगे? कैसे आएंगे जो टूट गए हैं सो जुड़ जाएंगे?
अरे जब संसार में बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी और आप बाप के बने हुए देखने में आवेंगे कि ये उस बाप भगवान के ज्यादा नजदीक है, उन्हें पता चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। तो वो तुम्हारे नजदीक आने की कोशिश करेंगे या दूर भाग जाएंगे? हैं? तुम्हारे भी नजदीक आवेंगे और अपनी गलती भी स्वीकार करेंगे। और शिवलिंग बड़ी ऊंची बनाते हैं, जो उनके हैं शिवलिंग जो है ऊंची बनाते हैं, उनके किनारे में जो शिव छोटे छोटे बनाते हैं, उनको कौन आता आगे जाते हैं? शालिग्राम बनाते हैं, कौन सी आत्मा? जो नजदीक आत्माएं होती हैं, बाप के नजदीक होती हैं, उन नजदीक रहने वालों की निशानी दिखाई है। और इस शिवलिंग के जो नजदीक होंगे उन्हीं की तो निशानी नजदीक दिखाई जाएगी। तो जो नजदीक बच्चे होते हैं उनकी निशानी दिखाई गई। और बारह महीने होते हैं, बारह महीने में सबसे जास्ती बरसात कौन से महीने में होती है? ये हद का सावन है या बेहद का संगम युग का सावन है? है हद का सावन है, जो आपने बोला भक्ति मार्ग में जो सावन में बहुत पूजा होती है शिव की, वो भक्ति मार्ग का सावन है। और यहाँ है बेहद का श्रवण। श्रवण माने जिसका बहुत गायन सुना जाता है कान से, वो हद की बरसात होती है। और यहाँ बेहद की बरसात होती है श्रावण महीने में। तब जब ज्यादा ज्ञान की बरसात होगी और वो बरसात ज्ञान की बढ़ती ही चली जाएगी संसार में, तो शिव बाप का इनकार्नेशन बढ़ता जाएगा या गुप्त होता जाएगा? है बढ़ता जाएगा। तो वो टाइम भी आने वाला है जो सारे संसार में सब धर्म वालों के बीच में ज्ञान की जोर शोर से रिमझिम लगी रहेगी, उसकी यादगार में श्रावण के महीने में शिवलिंग की बहुत पूजा होती है। और हाँ श्रावण के महीने में ही झूला झूलाते हैं, झूला क्या करता है? अरे झूला कुछ करता है कि नहीं करता है? कभी बहुत ऊंचे जाता है, अरे कभी नीचे आ जाता है, कभी बहुत आगे जागे आ जाता है ऊंचा ऊंचा, और कभी एकदम पीछे चला जाता है। पीछे जाता है तो भी बहुत ऊंचाइयों में, और आगे जाता है तो भी बहुत ऊंचाइयों में। कभी बहुत ऊंचा जाता है, कभी नीचे आता है। ये किस बात की यादगार है? है? और झूले में झूलाते किसको है? है कृष्ण को झुलाते हैं। अब बाबा ने क्या बोला है कि जो भी चरित्र हैं वो कृष्ण के चरित्र हैं या शिव बाबा के चरित्र हैं? है शिव बाबा के चरित्र हैं। और शिव बाबा किसको कहा जाता है? है साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है।
अर्थात वो मनुष्य सृष्टि का पिता और आत्माओं का बाप शिव, जिस तन के द्वारा पार्ट बजाते हैं, संगम युग में ये ऊंचे ते ऊंचा और नीचे ते नीचा जाने का पार्ट बजाता है। अभी अभी देखते हैं तो बहुत ऊंचा और अभी अभी देखते हैं तो बहुत नीचा, अभी अभी देखते हैं तो बहुत आगे और अभी अभी देखते हैं तो बहुत पीछे। जैसे मिलिट्री का मार्शल होता है, जब जोर शोर से लड़ाई शुरू होती है दो देशों के बीच में, तो मार्शल क्या करता है, एक जगह बैठा रहता है या आगे पीछे होता है, कभी एकदम आगे और कभी एकदम पीछे। तो ये यादगार दिखाई गई है भक्ति मार्ग में, जो कृष्ण को झूला झुलाते हैं, बाप की सारी यादगार किसको दे दिए, कृष्ण बच्चे को दे दिए। हाँ क्या सावन के महीने में बेलपत्र चढ़ाते हैं, जब बहुत ज्ञान की बरसात होती है तो ये तीन पत्ते जो एक साथ जुड़े हुए हैं, वो कौन से पत्ते होते हैं जो एक साथ जुड़े हुए होते हैं, बिल्व पत्र, उसे संस्कृत में कहते हैं श्रीफल। उसका जो फल है तीन पत्तों वाले पेड़ का, उस फल का नाम श्रीफल है। वो तीन पत्ते जब जुड़ करके पार्ट बजाते हैं, कौन कौन से तीन पत्ते, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये तीनों के स्वभाव संस्कार जब मिलकर के एक हो जाते हैं तो ये तीनों श्रेष्ठ बन जाते हैं या नीच पार्ट बजाते हैं, ऐसा श्रेष्ठ पार्ट बजाते हैं कि उनकी यादगार में वो संपूर्ण पार्टधारी आत्माएं शिव के ऊपर अर्पण हो जाती है, संपन्न रूप से अर्पण होने की यादगार है। कौन से महीने में, श्रावण के महीने में। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर तीनों पाठधारी, तीनों पत्ते अभी जुड़ गए हैं कि अलग अलग हैं, है? अभी भी अलग अलग पार्ट बजाए रहे हैं, एक इधर की तरफ है तो दूसरा इधर की तरफ है तो तीसरा इधर की तरफ है। ऐसा भी टाइम आने वाला है जो तीनों मिलकर एक हो जावेंगे। जब तीनों मिलकर के एक हो जावेंगे उस समय संपूर्ण बन जावेंगे। तो अर्पण किए जाते हैं, सिर्फ पत्तों की ही यादगार है या कोई फल भी है जो शिव बाबा के ऊपर चढ़ाया जाता है, कौन सा फल है, हैं?
बतूरा तो ऐसे ही साध के चढ़ा देते, बतूरे का फूल भी फल भी, अक का फल भी, गुलाब के फूल भी, लेकिन एक फल ऐसा है जो धार से तोड़ा जाता है, है नाम क्या है? रियल या नारियल? नारियल माने वो जो पार्ट बजाता है पुरुषार्थी जीवन में, वो पार्ट रियल पार्ट है या नारियल पार्ट है? कैसा पार्ट है? नारियल। और दुनिया को कैसा दिखाई पड़ता है? दुनिया को वो पार्ट रियल दिखाई पड़ता है, लेकिन वो पार्ट रियल नहीं है, नारियल है। वो नारियल कितनी आंखों वाला होता है? त्रिनेत्री होता है। उसको बहुत सी ज्ञान की जटाएं होती हैं। क्या है? जब अर्पण किया जाता है तो जटाएं निकाल देते हैं और उसका जो खोपड़ा है वो निकाल देते हैं कि नहीं निकाल देते हैं? है, जटाएं निकाल देते हैं लेकिन खोपड़ा फोड़ देते हैं और फिर अर्पण करते हैं। हाँ जी, एक जगह उसमें लगी रहती, फिर छोड़ते हैं क्या? किसी और सुना नहीं। वो देखने में आता है, एक जटा ज्ञान की जटा है या अज्ञान की है? है, है? बूरी माने बिंदी, बूरी माने बिंदी, बिंदी कहा जाता है। एक दरवाजे में तीन जने को दिखाया निकालते हैं, एक दरवाजे में तीन जने को दिखाया निकालते हैं, एक दरवाजे में चार जने को दिखाया निकालते हैं। इसका यही अर्थ है कि जहाँ चार निकलते हुए दिखाए हैं वो स्वर्ग का दरवाजा है। क्या है? और जहां तीन निकलते हुए दिखाए हैं, एक को नहीं निकलते हुए दिखाया है, तो जिसको निकलते हुए नहीं दिखाया है वो ऐसे घर वाली है जो गिर जाती है। तीन दिखाए हुए हैं, चौथा नहीं दिखाया है, और वो चार फीमेल हैं। तीन फीमेल हैं या मेल हैं? क्या हैं? कौन से चित्र में? सीढ़ी के चित्र में, सबसे ऊपर है, जहां संगम युग और सतयुग का मेल होता है, वहां तीन घरवालियां दिखाई हैं एक तरफ एक दरवाजे में, और चार भी दिखाई हैं। वो चार घरवाले हैं कि घरवालियां हैं? वो चार घरवाले हैं जो चार धर्मों के बीज हैं। उनमें से एक बीज ऐसा है जो भगवान के बने बनाए घर को बिगाड़ देता है, गिराए देता है। इसलिए भक्ति मार्ग में उसके फॉलोअर्स की यादगार क्या दिखाते हैं, क्या नाम देते हैं? गिरजाघर नाम देते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद क्या किया? भगवान के बने बनाए घर को गिराए दिया। इसलिए उस धर्म वालों के जो मंदिर की यादगार है उसका नाम ही रखा जाता है गिरजाघर।
जब महाविनाश होगा तो ये गिरजा घर सब गिर जावेंगे कि बचे रहेंगे? हैं? ये गिरजा घर ये मस्जिद ये मंदिर सब गिर जावेंगे, फिर बड़ा गिरजा घर रह जावेगा, बड़ी मस्जिद रह जावेगी या बड़ा मंदिर रह जावेगा? क्या रह जावेगा? एक ही बड़ा मंदिर रह जावेगा, न गिरजाघर बचेंगे और न मस्जिद बचेगी, न कोई गुरुद्वारा बचेगा। इसलिए एक दरवाजे में तीन दिखाए हैं और एक दरवाजे में चार दिखाए हैं। और कल परसों की बात है, कल परसों की बात है, हमारे गांव में एक पत्थर जो पत्थर का बैल जला रहा है, जलाने के सामने रखा हुआ है, उसको कहते वो दूध पीता है, 10-10 लीटर दूध पिलाया लोगों ने, हमने कहा झूठ है, बोले नहीं हमने पिलाया अपनी हाथ से, सच है, तो ये क्या डंबर है? पत्थर बुद्धि होगा है, बैल तो वैसे भी जानवर होता है, तो जानवर बुद्धि हुआ या नहीं हुआ है? जानवर बुद्धि भी है और फिर पत्थर बुद्धि भी है, पीता तो है, देखने में आता है कि पीता है, हाँ कहते हैं, तो वो दूध है उसको फायदा करता है, है? कुछ परिवर्तन आता है, अरे बढ़ता घटता है कि नहीं घटता है? ऐसा ही पड़ा रहता है, परिवर्तन तो कुछ भी नहीं हुआ, तो यादगार कहाँ की है? ऐसी यह संगम युग की यादगार है, इतने साल हो गए दूध पीते पीते बैल को, वो बैल अभी भी पत्थर बुद्धि है या कुछ समझ में आता है बुद्धि में? हैं? अभी भी पत्थर बुद्धि। गीता का भगवान कृष्ण को मानता है या शिव बाबा को मानता है? हैं? अभी भी समझे बैठा है कि गीता का भगवान कृष्ण ही है जो अंतिम जन्म में बैल का पार्ट बजाता है। और कथा पूरी हो गई? यानी कि कथा समझ में आई? अरे किसी को समझ में आई हुई हो तो बताओ, हैं? अरे तुम्हारी कथा नहीं समझ में आई, ओम शांति।